माँ बोधि मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया चीवर दान समारोह का आयोजन। विश्व में शांति और सद्भावना के लिए की गई ये विशेष पूजा। कठिन चीवर दान था, कठिन चीवर दान जो है भगवान बुद्ध का समय से ही चलते आ रहा है। भगवान बुद्ध जब अवस्थी में था उस समय में पहला कठिन चीवर दान हुआ था निगर माता। तो निगर माता नाम जो होता है विशाखा ने ही भगवान बुद्ध से परमिशन लेके पहले कठिन चीवर दान किया था। जलापूर्ति योजना में लापरवाही बरतने का आरोप। रोहतास में लोगों को नहीं मिल रहा है जलापूर्ति योजना का लाभ। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। ये आपके गांव में नल जल के लाभ मिल रहे हैं यहाँ पे? नहीं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यह है कि सब पाइप जो है कि तय फूटा हुआ है, जो है कि तय माने लीकेज है, इसलिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो सबसे शुरुआती में ही आपके गांव में यहाँ नल जल योजना के तहत काम हुआ था, लेकिन अभी लाभ नहीं मिलता है? नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ के अधिकारी और चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्या बोल रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ जब नल जल का व्यवस्था पहले से सरकार दिया हुआ है तो इसलिए नहीं आप लोग पढ़ते हैं। जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड स्थित क्लास किंग के गोदाम में लगी भीषण आग, आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कैमूर के सखवा गांव और चैनपुर के हाट बाजार में की गई दो व्यक्तियों की हत्या। दोनों घटनाओं की सूचना मिलने के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बंदूक लेके सामान लेके फायरिंग किया। कौन फायरिंग? एक फायरिंग। अच्छा। हमारा सामान लेके भाई वो हरे बोझा लेके आवत रहे, अब बोझा लेके आवत रहे और छेके के मार के सामान लेके जब हम लोग दौड़े इधर से तो हम सामान लेके उधर जाके इनको मारा। जहानाबाद में पटना गया मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद के सदर अस्पताल में मनाया गया एड्स दिवस। सिविल सर्जन विजय कुमार ने लोगों को एड्स के प्रति किया जागरूक।